Dear friends, myself Mrs. Archana Gupta. I live in Kashipur. By profession, I am a teacher. Today, my topic is for students. I want to tell four mantras to the students so that they can be successful in their life, so that they can step ahead and they can achieve whatever they want to achieve in their life. In those four mantras, the first mantra is destination companionship. So first of all, what do you mean by destination companionship? By destination companionship, I mean कि जहां पर भी आपको पहुंचना है, जिस डेस्टिनेशन पे भी आपको पहुंचना है, जो भी आपको अपनी लाइफ में बनना है, तो आप उसी तरीके के जो भी आपके चारों तरफ फ्रेंड्स हैं, तो आप उन फ्रेंड्स में से उनको चूज कर लीजिए कि जो वो ही बनना चाहते हैं. सपोज कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप अपने एक दो फ्रेंड्स ऐसे जरूर रखें जो डॉक्टर बनना चाहते हैं. अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, या आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप पायलट बनना चाहते हैं, तो आप जो भी बनना चाहते हैं, तो आप अपने ऐसे एक दो फ्रेंड्स जरूर रखिए जो उसी डेस्टिनेशन पे चाहते हैं. क्योंकि जब आप लोग आपस में बात करेंगे, तो आपकी बातों में आपके करियर के बारे में भी बात होगी, आप लोग के सेम कॉमन टॉपिक्स होंगे, आप लोग फोकस होंगे. अदरवाइज सपोज किसी को, एक को डॉक्टर बनना है और मुझे मान लिया सपोज डॉक्टर बनना है और दूसरे को इंजीनियर बनना है, तो हमारी ज्यादा देर बात ही नहीं हो सकती. हमारा फोकस इधर उधर हो जाएगा और हम कुछ और ही बातें करने लगेंगे. तो डेस्टिनेशन कंपेनियनशिप मीन्स कि जिस डेस्टिनेशन पे हमें पहुंचना है, जो हमें बनना है, या तो हम उसके बारे में जो पहुंच चुके हैं उनके बारे में भी हम कुछ थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, उनके अचीवमेंट्स पढ़ सकते हैं, और अपने जो हमारे पास फ्रेंड्स हैं उनको भी हम उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. कुछ फ्रेंड्स हम ऐसे बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सारे ही फ्रेंड्स हमारे वैसे ही हों, लेकिन कुछ फ्रेंड्स हमारे जो हमें डेस्टिनेशन जो भी हमें बनना है, हम उस तरीके के फ्रेंड्स को चूज कर सकते हैं जिससे कि हमारे टॉपिक्स कॉमन हो जाए और हम उसी तरीके से करियर के बारे में अपने आगे बात कर सकें. ठीक है. सेकेंड, अब क्या होता है कि पेरेंट्स ज्यादातर बच्चों से कहते हैं कि भाई टाइम से उठो, टाइम से पढ़ो, आप अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो, आपको ऐसे नहीं करना है. मतलब बहुत सारा प्रेशर रहता है बच्चों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर भी, जहां पर पेरेंट्स भी टीचर्स भी हमेशा उनको एक शिक्षा देते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं कि भाई ऐसे करो वैसे करो, लेकिन बच्चे क्या होते हैं कि वो अपनी मर्जी से, उनका मन कर रहा है तो वे मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं, वो बाहर गेम्स खेल रहे हैं, वो बच्चों से फोन पे बातें कर रहे हैं, तो उस तरीके से फिर क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और खुद बच्चे भी बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि हर टाइम उनको रोकना टोकना आज उनको अच्छा नहीं लगता. तो इस चीज के लिए मैं आपको एक मंत्रा दे रही हूं जिसका नाम है प्लान्ड और अनप्लान्ड. प्लान्ड एंड अनप्लान्ड. आप कहोगे ये क्या है मैम? प्लान्ड अनप्लान्ड मीन्स कि जब आपके दिन की शुरुआत हो, तो आप उसको पूरा प्लान्ड तरीके से शुरुआत करो. आपका जो भी वर्क है, आपका जो भी क्लासेस हैं, आपका जो भी उस दिन का कोई टारगेट है, कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई असाइनमेंट है, कोई आपको जो भी चीज अचीव करनी है, या आपको सपोज इतना पोर्शन मुझे पढ़ाई करके कंप्लीट करना है, आज मुझे मैथ्स करना है, आज मुझे फिजिक्स करना है, वॉट एवर इट इज, सपोज 3-4 आरसी क्लासेस हैं, 1-2 आरसी कोचिंग है, वॉट एवर इट इज, दैट शुड बी, सिंस दैट इज प्लान्ड, सो यू हैव टू डू इट इन अ प्लान्ड वे. जब आपका वो सारा गोल अचीव हो जाए, सारा टारगेट, सपोज आपको कोई वर्क मिला है स्कूल से, या आपको कोई वर्क कंप्लीट करना है, कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए. उसको प्लीज मत टालिए कि हम परसों कर लेंगे, हम उसे नेक्स्ट डे कर लेंगे, या हम अभी तो मैम चेक नहीं करना है मैम को, तो हम बाद में कर लेंगे, और अभी तो टेस्ट आ ही नहीं रहे हैं, तो अभी हम ये वाला चैप्टर क्यों लर्न करें. ऐसा कुछ नहीं है. जो भी आपका उस दिन का गोल है, सबसे पहले आप उसको प्लान्ड तरीके से कर लीजिए, और उसके बाद जो भी आपका दिन का बचा हुआ टाइम है, उसको अनप्लान्ड तरीके से आप मजे कीजिए. आपका मन कर रहा है आप मूवीज देखिए, आपका मन कर रहा है आप गेम्स खेलिए, आपका मन कर रहा है दोस्तों से बात करने का आप दोस्तों से बात कीजिए, आपका मन कर रहा है मोबाइल पे कुछ पिक्चर्स देखने, कुछ भी, एनीथिंग, व्हाट एवर यू फील, जो आपका मन कर रहा है वो आप कीजिए. क्योंकि उसके बाद मम्मी पापा आपको बिल्कुल भी नहीं टोकेंगे कि बेटा आपने काम नहीं किया, आपको ये करना है, अब आप फिर से फोन में लग गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है. तो आप जो है अपने आप को प्लान्ड
पहले प्लान्ड अपना डे को प्लान्ड रूप से कंप्लीट कीजिए और उसके बाद अनप्लान्ड तरीके से अपने आप मजे कीजिए, क्योंकि आप बच्चे मजे नहीं करेंगे तो भाई फिर कौन करेगा, किस एज में मजे करेंगे। उनकी एज आगे बढ़ने की भी अगर यही है तो उनकी एज मजे करने की भी यही है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया था डेस्टिनेशन, फर्स्ट पॉइंट हो गया था आपका डेस्टिनेशन कंपेनियनशिप, सेकेंड हो गया था प्लान्ड अनप्लान्ड डे, और थर्ड पॉइंट है आपके लिए टाइम करेंसी। इट मीन्स कि आप जो है अपने टाइम को करेंसी की तरह यूज कीजिए। जैसे कि मान लिया सपोज आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं, तो आप उसको अच्छे से यूज करते हो ना, उसको ऐसे ही तो कहीं पर नहीं डाल देते हो, आप उसको अच्छे से यूज करते हो। कि मान लिया सपोज हमारे पास पैसे हैं तो हम उसको हम प्लान तरीके से खर्च कर लेते हैं, आज मुझे फ्रेंड की पार्टी में जाना है, आज मुझे अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदना है, आज मुझे मूवी देखनी है। इसी तरीके से टाइम को भी आप करेंसी मानिए। आप ये मानिए कि हर सेकेंड 2000 रुपीज का नोट है, आपको उस टाइम को करेंसी की तरह ही यूज करना है। मान लिया सपोज आपकी क्लासेस है, तो उस क्लासेस में आपका हर सेकेंड क्योंकि 2000 रुपीज का है, या हर सेकेंड आपको वो यूज करना है, तो आप पूरा मन लगा के उस टाइम पढ़िए। उस टाइम बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं मेरे को पढ़ना नहीं है या मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ, नहीं, उसमें पूरा आप मन लगा के पढ़िए, उस टाइम को करेंसी की तरह यूज कीजिए। जैसे मान लिया मैक्सिमम क्या होता है, 3-4 आवर्स की क्लासेस हो गई, उसके बाद 2-3 आवर्स की कोचिंग्स हो गई, और उसके बाद आपका 2-3 आवर्स की सेल्फ स्टडी हो गई, तो ये पूरा टाइम जो है आपको एज अ करेंसी यूज करना है। बिल्कुल कंसंट्रेट होकर स्टडीज करनी है, अपने माइंड को इधर उधर बिल्कुल भी डेविएट नहीं करना है। मान लिया सपोज आप क्लास में क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो बिल्कुल 100% कंसंट्रेट करके सुनिए मैम क्या समझा रही है, क्योंकि अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो फिर से आपको दोबारा टाइम उसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप अच्छे से उसी टाइम समझ जाएंगे उस चीज को। और अगर आप अच्छे आप नहीं सुनेंगे दिन से, तो फिर से आपको दोबारा उतना ही टाइम इन्वेस्ट करके उस चीज को दोबारा समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। गॉट इट? तो आपको टाइम एज अ करेंसी यूज करना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो कि फोर्थ मंत्रा है मेरा, वो है गैजेट डिटॉक्स। अपने आप को गैजेट से डिटॉक्स करना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मोबाइल नहीं करना, आपको लैपटॉप नहीं करना, आपको अपना पीसी नहीं करना, आपको अपने आईपॉड नहीं करना, आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लेकिन जिस टाइम आप अपनी टाइम को एज अ करेंसी यूज कर रहे हैं, उस टाइम आपको अपने गैजेट से दूर रहना है। जब आप मान लिया सपोज पढ़ाई कर रहे हैं, मान लिया आप कुछ आप अपने मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, या फिजिक्स लर्न कर रहे हैं, या आप हिस्ट्री लर्न कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर लर्निंग और यू आर डूइंग, एट दैट टाइम अपने गैजेट्स को अपने से दूर रखिए, उनसे डिटॉक्स हो जाइए, उनसे बिल्कुल उनकी तरफ देखिए ही मत। क्योंकि अगर वो जरा सा भी उस टाइम बजेगा तो आप क्या होगे, आपका मन करेगा कि देखें भाई कौन से फ्रेंड का मैसेज आया, क्या हुआ। फिर उसमें हमारा क्या होता है कि हम एक बार उठाते हैं, हम देखते हैं, तो फिर हमारा जो काम, जो वर्क हमारा 1 आवर में कंप्लीट हो रहा था, उसमें हमारा 2 आवर्स लग जाएंगे, डबल टाइम लग जाएगा। तो आप क्या कीजिए, अपने गैजेट्स को बिल्कुल एक तरफ रख दीजिए, अपना वर्क पहले अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, अगर आपको अपने फोन में से सपोज कोई, आजकल क्योंकि फोन में ही पढ़ाई हो रही है, तो फोन में से अगर आपको कुछ पढ़ना है, कुछ आपको नोट करना है, या आपको कुछ भी करना है, तो एट दैट टाइम आप अपना सारा बिल्कुल भी आप अपना माइंड नहीं लगाएंगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे स्नैपचैट हो, सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो उन पे आप बिल्कुल भी नहीं माइंड लगाएंगे, बस आप अपनी सिर्फ पढ़ाई करेंगे, क्योंकि एट दैट टाइम यू आर यूजिंग द टाइम करेंसी। तो आपको अपने गैजेट से बिल्कुल दूर रहना है, उनको उस टाइम देखना ही नहीं है, और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे माइंड लगाना है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मॉडर्न युग का, आज के युग की जो सबसे बच्चों के लिए सबसे बड़ी डिजीज बन गई है, वो गैजेट्स बन गई है। और जब से ये कोरोना आया है, तब से तो क्या हुआ है कि बच्चों को, पेरेंट्स को मजबूरी हो गई है फोन को देने की, फोन को, लैपटॉप्स को बच्चों की मजबूरी हो गई। तो नाउ द किड्स, या बड़े हैं या छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ाई तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ उसका मिसयूज भी कर रहे हैं। तो प्लीज बच्चों, आपका ये पढ़ने का टाइम है,
आपको एक बहुत ही मुश्किल वक्त में आपको ये क्लास पास करनी है या मुश्किल वक्त में आपको ये पढ़ाई करनी है, तो इस टाइम आपको अपने माइंड को यूज करते हुए या फिर आपके जो पेरेंट्स आपको समझा रहे हैं या फिर जो आपके टीचर्स आपको समझा रहे हैं या जो आपको बड़े आपको समझा रहे हैं, उसको आप समझिए, उसको आप समझिए और इन गैजेट्स को इतना हावी अपने माइंड पे या अपने ऊपर मत होने दीजिए। इसका एक टाइम फिक्स कीजिए कि भाई हमें इतने टाइम के लिए करना है, दैट्स ऑल। उसके अलावा आप अपने फ्रेश माइंड को अपनी स्टडीज में यूज कीजिए। तो टुडे आई हैव टोल्ड यू अबाउट द फोर मंत्रास। अगर आप ये फोर मंत्रास और अदर और उसके अलावा जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाए, प्लीज खूब सारा खेलिए, खूब